हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैमून मून। आज का जो वीडियो है गाइस, ये एक ब्लीच का रिव्यू है। गाइस, मेरा बहुत सारा ब्लीच का रिव्यूज वीडियो है, आप चाहे तो चेक कर सकते हो। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और गाइस मैं अपना इंस्टा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, मेरा ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के साथ आप नोटिफाइड हो सको। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो गाइस, चलो लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज मैं जो चीज का रिव्यू करूंगी ये है गाइस, आप देख सकते हो आस्था वेरी फ्रूट ब्लीच। ये ब्लीच है, फ्रूट ब्लीच है, तो इसका रिव्यू करने वाली हूँ गाइस। सो ये जो ब्लीच है गाइस, ये है, इसमें ब्लीच क्रीम आपको मिल जाएगा 35 ग्राम्स, और एक्टिवेटर मिलेगा 7 ग्राम्स का। और गाइस, इसका जो मैन्युफैक्चर्ड रेट है वो है 2017, और एक्सपायरी है 2020। सो गाइस, अब पहले मैं इसके जो आउट ऑफ पैकेजिंग के बारे में बात करूंगी। इसके आउट ऑफ पैकेजिंग आप देख सकते हो, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं और बहुत ही अच्छे दिखने में होते हैं। आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन, इसे फ्रूट का जो एक यहाँ पर पिक भी दिया हुआ है, आप देख सकते हो। सो गाइस, ये जो है, ये जो है गाइस, ये क्लेम करते हैं ये है एनहेंस्ड फेयरनेस एंड ग्लो। आपके इंस्टेंट इसमें फेयरनेस और ग्लो आएगी इस ब्लीच से। सो गाइस, तो ये था इसका आउट ऑफ पैकेजिंग, और आप यहाँ पर सब कुछ यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसमें आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो पीछे सारे मेंशन किया हुआ है, तो आप इस हिसाब से भी इसको कर सकते हो। आस्था वेरी फ्रूट ब्लीच क्रीम कॉम्बाइन द फेयरनेस फ्रूट एंड द फेयरनेस प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लीच, इट्स गिव्स एनहेंस फेयरनेस एंड ग्लो टू स्किन। सो गाइस, इसका अभी मैं इनर पैकेजिंग देखूंगी, दिखाऊंगी आपको, देख सकते हो इसका इनर पैकेजिंग किस टाइप में है, देख सकते हो। इसमें आपको एक एक्टिवेटर मिल जाएगा, और ये है इसका जो ब्लीच क्रीम है वो है, और इसमें एक अप्लाई करने के भी ये आपको मिल जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो नॉर्मल प्लास्टिक का वो है, जैसे कि हर ब्लीच में होते हैं डब्बे, तो ये हाथ से गिर के भी टूट जाने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये गाइस ट्रैवल फ्रेंडली भी हुई, आप कहीं पर भी इसको लेके कैरी कर सकती हो, और ये अच्छे से जो इसका जो ढक्कन है अच्छे से लॉक होता है, तो कोई भी गिरने का भी कोई चांस नहीं है, प्रोडक्ट लीकेज होने का भी। सो गाइस, आप देख सकते हो, तो गाइस ये देख सकते हो इसका जो क्रीमी स्ट्रक्चर है, ये मैंने बहुत अप्लाई किया है, बहुत ही अच्छा है, मैंने खुद अप्लाई किया है गाइस, ये बहुत ही अच्छा है, देख सकते हो आप, मैंने आधा इसको अप्लाई कर लिया पूरा, इसके बाद ही मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। और ये है एक्टिवेटर, तो गाइस आपको कभी मैं इसका हो सके तो आपका मैं डेमो भी इसको दिखा दूंगी आपको। तो गाइस, इसका जो ऑनलाइन लिंक है मैं डाल दूंगी, अगर मुझे मिले तो ऑनलाइन से आप थोड़ा डिस्काउंट में इसको परचेस कर सकते हो। सो गाइस, ये था मेरा आज का आस्था बेरी फ्रूट ब्लीच का रिव्यू। आई होप आपका ये वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। सो गाइस, बाय, टेक केयर।